Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Fazal Afzal. This video is especially for NEET aspirants जो कि upcoming exam के लिए prepare हो रहे हैं और जिनको कि 10 दिन के बाद exam देना है. बहुत सारे students ऐसे messages करते थे और calls भी करते थे कि आप time कम रह गए और ऊपर से बहुत सारा syllabus revise करना है, कैसे कर रहे हैं इतने कम time में. मुझे इस बात की खुद भी experience है कि स्टूडेंट्स कितने डिप्रेशन में होंगे और कितने एंग्जाइटी में होंगे. वो ये सोचते होंगे कि अब बस 10 दिन रह गए और ऊपर से बहुत सारे स्टूडेंट्स 3-4 साल के ड्रॉप आउट्स भी होंगे और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना कैरियर ऐसे मेडिकल में ही कंटिन्यू रखने का फैसला किया होगा. विदाउट वेस्टिंग वेर मच टाइम आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस एंड यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस. विदाउट फॉलोइंग एंड ओनली वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट. सबसे पहला पॉइंट, आप अपने आप को कूल रखे, डिप्रेशन में ना रहे. इन 10 दिन को इफेक्टिवली यूटिलाइज करें विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट. इन 10 दिनों के लिए आपने आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्रॉपर प्लानिंग करनी है. आप इन 10 दिन में क्या करेंगे, सबसे पहला पॉइंट, आप कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर नया नहीं पढ़ेंगे. जो आप पहली बार पढ़ रहे होंगे वो आप गलती नहीं करेंगे. दूसरा ये कि आप इन 10 दिनों में वो मटेरियल रिवाइज करेंगे जो आपने ऑलरेडी बहुत बार रिवाइज किया होगा, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो ट्यूशन की कॉपी हो या कोई और मटेरियल हो. आई डोंट केयर कि कोई भी मटेरियल हो, इट डजंट मैटर. तीसरा ये कि आप वो चैप्टर सिलेक्ट करेंगे इन 10 दिनों में जिनको आप ज्यादा टाइम दें, जिनको कि वेटेज ज्यादा हो, जो कि स्कोरिंग हो, जिनको जिनके जिनमें से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो और वो क्वेश्चंस बार बार, वो टॉपिक्स बार बार पढ़ेंगे जो कि इंसान भूल जाता है. अपने हाथ में हाइलाइटर लेकर उन पॉइंट्स को स्पेसिफिकली हाईलाइट करना है जो आप बार बार भूल जाते हो, ताकि जब लास्ट के 1 या 2 दिन रहेगा एग्जाम को तो आप उन पॉइंट्स पे ज्यादा क्विक रिवीजन करो. आई रिपीट, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है और एनसीईआरटी और ट्यूशन की कॉपी पे ज्यादा फोकस करना है. डोंट गो फॉर द रेफरेंसेस, डोंट वेस्ट योर टाइम. थ्योरी के साथ साथ वो क्वेश्चंस करने हैं जो क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उन पॉइंट्स को हाईलाइट करना है. से फॉर एग्जांपल एवोगैड्रो नंबर है, वो इम्पोर्टेंट है याद रखना, और नंबर्स हाईलाइट करने हैं ताकि लास्ट में वो आपको याद रहे. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.